हाय एवरीवन दिस रानिका आज हम पढ़ेंगे एवियन फ्लू के बारे में पहली बार एवियन फ्लू सिटाशंस में दिखाया गया है सिटाशंस यानी डॉल्फिन इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्वाटिक ऑर्गेनिज्म उनको सिटेशन बोलते हैं तो पहली बार उनमें एवियन फ्लू सामने आया इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कीजिए बिकॉज आई फील टू क्या दो वी कैन मेक अ ह्यूज़ डिफरेंस पीडीएफ लेक्चर अपडेट सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाँ यहाँ पे मैं आपको अपनी स्पेशल क्लासेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे मैंने डाउन टू अर्थ मैगज़ीन का एनालिसिस शुरू किया है जनवरी से लेकर सारी आपके साल की जितनी भी मैगजीस आती है उनको क्योंकि एक महीने में दो बार डी टी आती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके वहां पे डिस्कस करते हैं एक घंटे की क्लास में तो इम्पोर्टेंट क्योंकि मैगजीन मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है इस संडे को स्पेशल क्लास में टेकिंग अ टेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो डू अटेंड दिस सेशन टेस्ट में पार्ट लेंगे और एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ आपको देती जाऊंगी ताकि की आप वो सवाल वापस कभी एग्जाम में आए तो उसको भूल लेना बाकी ये जो डॉल्फिन है पॉर्पॉइज पॉर्पॉइज भी डॉल्फिन जैसा दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है ऑलमोस्ट डॉल्फिन जैसा ही दिखता है इसी तरह के इक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं सिटेशंस बोलते हैं इनमें पहली बार एवियन फ्लू देखा गया है यू विल सी डिफरेंट प्रिंट मीडिया कवरिंग दिस न्यूज अब हुआ क्या एक बॉटल नोज डॉल्फिन थी जो मरी हुई पाई गई फ्लोरिडा फ्लोरिडा के डिक्सी काउंटी में फिर जब उस तो ऑटोपसी उस डॉल्फिन की की गई तो पता चला कि उसमें इन्फेक्शन थी इन्फेक्शन भी किससे थी पैथोजेनिक पैथोजेनिक हम किसको बोलते हैं कि जो कि बहुत ही खतरनाक हो इन्फेक्टेड हो पैथोजनिज्म से माइक्रो माइक्रो डिजीज कॉजिंग से हाइली उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए कौन से वायरस पाए गए एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर जिसको एच पी ए आई वी बोला जाता है और ये पहला सिटेशन बन गया वायरस जिसमें पाया गया अमेरिका में और दुनिया का सेकेंड केस एक बार पहले भी ऐसा हुआ था आ, लेकिन दैट वॉज इन अ सेपरेट प्लेस और अब अमेरिका में फर्स्ट सिटेशन हो गया जिसको एवियन इन्फ्लुजा हुआ है और ये यंग मेल डॉल्फिन था और इट को इसको मार्च में अगर आप देखेंगे यंग मेल डॉल्फिन वाज रिकवर्ड इन मार्च इन हॉर्स शू बीच यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा मरीन एनिमल रेस्क्यू टीम रेस्क्यू um, टीम ने इसको बचाया था क्योंकि पूरी चीज़ को कंफर्म होते हुए टेस्ट होते हुए टाइम लग जाता है पता लगते लगते कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से किस वायरस की वजह से इसकी डेथ हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरिडा की बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे एक डॉल्फिन इन्फेक्टेड पाया गया एवियन इन्फ्लुंजा जो है वो मैमल्स को बहुत ही हाई रेट में इन्फेक्ट करते जा रहा है जुलाई की अगर बात करें यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने डिक्लेयर किया अनयूजल मोर्टलिटी इवेंट अनयूजल क्योंकि कॉमन नहीं है पहली बार या रेयर केसेस में हम इस तरह का इवेंट देखते हैं जब क्या हुआ 150 सील्स जो हैं वो मरी हुई पाई गई और काफी लोगों ने कंफर्म किया कि जो उनमें टेस्ट हुए कि उनको एच फाइव एन वन थी इस इंफेक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई जून के बाद 250 जो है, वो फिर से मिली अगस्त ट्वेंटी एट की ये न्यूज है पहले जुलाई देन अगस्त। फिर से इंफेक्शन पाया गया मल्टीपल केसेस जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के वो आपके सामने आए रिपोर्ट किए गए जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वाइल्ड फॉक्सेज में बियर्स में रेकूंस में डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स में अगर आप लास्ट ईयर में देखें मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से मैमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है पहले अगर आप देखेंगे इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि एवियन इन्फ्लुएंजा एक स्ट्रैंडेड पॉरपोइस था पॉरपॉइज मैंने आपको बताया सेम सिटेशन है डॉल्फिन जैसा दिखने वाला स्वीडन में उसको भी इन्फेक्शन हुआ था सो so, ये ऐसे दो डॉक्यूमेंटेड केसेस हो गए अब सिटेशन में सिटेशन इज अ ग्रुप ऑफ मैमल्स जिसमें आपके डॉल्फिन पॉर्पोइस वेल्स ये सब आते हैं ऑर्गेनिजम्स इनमें भी अब एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो पाया जा रहा है यहाँ पे पॉरपोइस और डॉल्फिन में आप फर्क देख सकते हैं बेसिकली जो डॉर्स पीछे वाला फिन होता है वो ट्राइंगर शेप में आपको नजर आएगा लेकिन डॉल्फिन में जो डॉर्सल फिन होता है वो काफी अगर आप देखेंगे ये आपको, ट्रा, तो आपको दिखेगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि देख के आप पॉर्पॉइज और डॉल्फिन को कैसे अलग बता सकते हैं क्योंकि यूजुअली एक जैसे दिखते हैं अब ये जो इन्फेक्टेड पॉर्पॉइज है स्वीडन में मेरा स्विडिश नेशनल वेटनरी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया था अगस्त के एंड में कि वहां पे एक स्ट्रैंडेड जो जो है 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 वो देखने को मिला है, रिपीटेड में ये जो है, ये स्विम करके बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये काफी फिटीग्ड हो गया था बीमारी की वजह से काफी एग्जॉस्ट हो गया था और एक ही दिन के अंदर इसकी डेथ भी हो गई और अटॉपसी में इनको पता चला इट वॉज एच फाइव एन वन एवियन इन्फ्लुजा की वजह से इसकी डेथ जो, जो है वो हुई है अब हो हो क्या रहा है इन में? Cross species transmission हो रही है 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 में रही क्योंकि तेजी से 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 फैलता वायरस एक चीज अगर वो सेल से बाहर है, से बाहर किसी तो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता उसको सेल की मशीनरी चाहिए इन्फेक्शन कॉज करने की इट नीड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्मॉक्टर रिचर्ड वेबले ने कहा ये एक इन्फ्लुएंजा के वायरोलॉजिस्ट हैं ये जो हाईली पैथोजेनिक बर्ड फ्लू वायरस है डॉल्फिन में पॉर्पॉइज में दो कॉन्टिनेंट्स में दिखा एक तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है एक पूरे कॉन्टिनेंट का डिफरेंस है तो इसलिए एक यूनिक इवेंट भी है लेकिन यहाँ पे शायद एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में जो इन्फेक्शन है वो फैल रही है जैसे बर्ड्स जो हैं मरे हुए कहीं पे पड़ते हैं जाते हैं गिरते हैं डेड बर्ड्स के कांटेक्ट में दूसरे एनिमल्स आते हैं डॉल्फिन भी आ सकती हैं सिटेशन भी आ सकते हैं पॉलपोसिस भी, भी आ सकते हैं जब वो इन्फेक्टेड डेड बर्ड के टच uh, में आएंगे मैरीन या कोस्टल हैबिटेट्स में तो उनकी डेड बॉडीज से कैरकासेस से इन एनिमल्स को भी इन्फेक्शन हो जाएगी खुद को इन्फेक्ट कर लेंगे तो दिस इज प्रॉबेबली वॉट इज हैपनिंग क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन इसको बोलेंगे एवियन रिजर्वॉयर मतलब इन्फ्लुएंजा इसमें होगा तो एक पूरा प्रोसेस है किस तरीके से ये एनिमल्स में फैल रहा है और इन द एंड कभी ना कभी एनिमल्स से ह्यूमंस में भी जंप कर सकता है यूजुअली जो हम केसेस देखते हैं जूनोटिक बीमारियों डिजोनॉटिक डिजीजेस के केस में अब इससे थ्रेट क्या है कि पोटेंशियल रिस्क और भी वाइल्ड लाइफ को है वायरस ने क्योंकि धीरे धीरे वायरस जो है बहुत तेजी से अगर आप देखेंगे म्यूटेट करता जाता है और मैमेलियन होस्ट्स पे भी जा सकता है और मेमिलीन होस्ट में कैसे जाएगा सपोज स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू है यूरेशन एच फाइव एन वन ये बहुत तेज़ी से फैला था डोमेस्टिक पोल्ट्री में जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ पे इसने फैलना शुरू किया और उसके बाद बहुत सारे बर्ड जो फार्मिंग बर्ड्स थे उनको इन्फेक्ट किया इस वायरस के आप पहले वाले स्ट्रेन अगर देखेंगे तो बर्ड पॉपुलेशन को बहुत नुकसान हुआ ईगल्स आउस पैलिकन्स और इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं टू थाउजेंड में एपेडमिक सीजन रहा एवियन इन्फ्लुन्जा का जो यूरोप में सबसे ज्यादा केसेस आपको देखने को मिले फिफ्टी थ्री हंड्रेड बर्ड फ्लू के पोल्ट्री कैप्टिव वाइल्ड बर्ड सब में दिखे तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने खाने से भी मना किया कई बार बोलते हैं कि उसको बहुत बॉइल करके आप खाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा बट स्टिल देन पीपल अवॉइड तो ये फ्लू जो है यूरोप में इस समय में एंडेमिक हो गया इतना ज़्यादा फैल गया था तो बर्ड फ्लू एक तरह का एवियन फ्लू ही है बहुत ज्यादा वाय कंटाजियस वायरल डिजीज है तेजी से फैलता है इन्फेक्टेड बर्ड्स को मार दिया जाता है इस, इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए और हमारे पास कोई चारा नहीं होता जो भी इन्फेक्टेड होते हैं उनको मार दिया जाता है माइग्रेटरी एक्वेटिक बर्ड्स में भी बहुत तेजी से ये फैलता है और मैमल्स पिग्स हॉर्सेस कैट्स में भी इस तरह से क्रॉस स्पीशीज ट्रांस जो ट्रांसमिशन है वो होती है अब ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है 1997 में पहला केस इन्फेक्शन का हांगकॉन्ग में दिखा डेडली एच फाइव एन वन स्ट्रेन जो वायरस का है उससे इंसान जो है वो इन्फेक्ट हुए फैला कैसे इंसानों में फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन जोनोटिक डिजीज फिर जो लोग किन लोगों में फैलता है जो क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं लाइफ स्टॉक के या डेड बर्ड्स के वो रिस्क में रहते हैं कि उनको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ऑल्सो दिस वायरस इज वेरी सेंसिटिव टू हीट कि बहुत गर्म करेंगे तो और जैसे अगर आ, कोई फूड है तो शायद नहीं बचेगा अगर वेल कुक्ड फूड खा रहे हैं बट स्टिल जो इन्फेक्शन है वो हो ही रही थी बर्ड फ्लू अगर आप इंडिया में देखेंगे टू में मेजर आउटब्रेक महाराष्ट्र गुजरात में हमने देखा 2008 2014 में वेस्ट बंगाल और केरला में देखा 2006 2015 में इंडिया ने रिपोर्ट किए 25 एपिसोड्स बर्ड फ्लू के 15 स्टेट्स से सितंबर 2019 में इंडिया ने ऑल दो वी डिक्लेयर कि हम बर्ड फ्लू फ्री हो चुके हैं अब किस तरह के सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है फीवर कफ गला खराब होना एब्डोमिनल पेन डायरिया ये सब इसके हैं तो इस तरह का कोई भी फ्लू अगर आपको बहुत समय तक रहता है तो डू विजिट अ डॉक्टर ताकि आपके सिम्टम्स चेक होकर आपको राइट मेडिसिन दी जाए एंटी ड्रग्स और सेलता मेवेर इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है जो लोग माल मवेशियों के पास ज्यादा काम करते हैं उनको कहा जाता है कि पीपी -पी किट पहन के करो अपने हाथों का हाइजीन मेंटेन रखो अच्छे से बार बार साफ करो दिस तो इज ऑल अबाउट एवियन फ्लू लेटेस्ट ये कि डॉलफिन में दिखा दिखाशंस में आपको पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं वीरो यूपीएससी इज द कोड अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते हुए आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में जो तो है प्रिपरेशन लास्ट तक करेंगे एंड आई हेल्प आई हेल्प यू कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो और यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट में आपको बहुत सस्ता भी पड़ जाता है कोर्स मेन्स टेस्ट सीरीज़ भी शुरू है डू ट्राई और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है यू गेट अ मेंटोर जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है एक साथ पैसे नहीं दे सकते तो ई एम आई इज़ द गुड ऑप्शन जीरो परसेंट ई एम आई आपको यहाँ पे मिल रही है टेस्ट हर संडे आपके होते हैं इनमें पार्टिसिपेट कीजिए वीरो यूपीएससी कोड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर और यहाँ पे कुछ ल्यूक्रिएटिव ऑफर्स भी हैं आपके लिए फर्स्ट uh, रैंक को जैसे फोन दिया जाएगा यू हैव वाउचर्स देखिए टेस्ट दीजिए मॉक्स देने से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है डाउट दरबार भी फ्री में अपने डाउट्स जो हैं क्लियर कर सकते हैं कोड इज यूपीएससी थैंक यू सो मच